आज ही मैंने अज्जी और बाबा की बात सुनी फोन पर। कह रहे थे कि अम्मा जी के सर पर जो पोते का भूत चढ़ा है ना, उसे उतारने के लिए उनका मन झूठे व्रत में लगा दो। अज्जी और गौरी आपके साथ जो नाटक कर रहे हैं ना, उसके सूत्रधार बाबा है। हमारे सामने बिसात क्या है इसकी, कमजोर है। और एक बात याद रखना, यहाँ के मर्द वारिस की खातिर दूसरी शादी करने में एक पल नहीं लगाते। बस दादी जी, तो वक्त आ चुका है कि हम गौरी जी के आराम के लिए इनके रीति रिवाजों को अपनाएं। बच्चे की भलाई के लिए हमें मराठी रीति रिवाजों को अपनाना होगा, गौरी जी को मुंबई भेजना होगा। हमारा अपमान करके जाना चाहती हूँ, लेकिन हम भी अपने अपमान की सजा दिए बगैर तुम्हें जाने नहीं देंगे। एक बार हमें माफ कर दो, हम वादा करते हैं आज के बाद बिना वजह तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देंगे, तुम पर अपना कभी अधिकार नहीं जताएंगे। सच कह रहे मुन्ना, सिर्फ अपने कर्तव्य निभाएंगे। आता अम्मा जी ने का केलं काय केलं हे उगाळत बसण्यात काय अर्थ आहे? अगो पण आजी खूप उशीर झालाय, झोपूया ना। तूही शांतपणे झोप आणि उद्या भरपूर काम आहेत ना, सरला भाभी नाही येत, मलाच सगळं करायचं। झोप झोप तू। गौरी म्हणजे ना, हिला सगळ्यातच चांगला दिसता। सरू सरक्या बोली, पण मी त्या हम्माक चांगलंच ओळखला। सरूला हाय सर तिने उगीच नाही बोलावलेला, नक्कीच तिचा काहीतरी डावा। हम्मा नक्कीच काहीतरी तमाशा करतली, माहितीये माका। अम्मा जी त्योहार आते तो कितना अच्छा लगता है ना, मतलब ढेर सारे गिफ्ट, मिठाई, कपड़े और सबसे मिलना भी हो जाता है। हाँ सो तो है, लेकिन अम्मा जी सरला भाभी ने ये तो घर बहुत सुना लग रहा है ना। हाँ लेकिन क्या करें, बहू को रक्षाबंधन में उसके मायके भेजना पड़ता है। वैसे अगर हमें जल्दी याद आ जाता तो तुम भी मुंबई में अपने मायके में होती, हम अपने भाई के पास। कोई बात नहीं अम्मा जी, दादा तो आ रहा है ना। सो तो है गौरी, अच्छा हुआ हमें जल्दी याद आ गया कि हमारे यहाँ राखी जन्माष्टमी तक मनाई जाती है, इसीलिए तो हमने झट से नची को फोन कर दिया ताकि तुम्हारा भी ये पहला त्योहार अच्छी तरीके से मन जाए। और हाँ गौरी, हमने उर्मिला को भी दोबारा से बुलवाया है ताकि वो भी तुम्हारे आई बाबा और नची दादा से मिल ले। सौ साल लंबी उम्र है हमारी बिटिया की, अभी तुम्हारा नाम लिया और तुम आ गई। अम्मा कुछ खास बात है क्या, मतलब आपने हमें इतनी जल्दी वापस क्यों बुला लिया? वो उनसे बात नहीं करेंगे। अम्मा अम्मा प्लीज, आज के दिन ऐसे दुखी मत होइए, ऐसे आंसू मत बहाइए। हम बात करेंगे बाबूजी से। कहाँ हैं बाबूजी बताइए? बाबूजी हाजिर हैं। अपनी लाडी बिटिया की बात सुनने के लिए। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो हमसे? बाबूजी आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? तुम पर गुस्सा नहीं, बोलो। बाबूजी आप देख रहे हैं ना कि हम अपनी जिंदगी में कितने खुश हैं, हमें किसी से कोई गिले शिकवे नहीं, कोई शिकायत नहीं। कहने का मतलब यह है कि क्या बुआ जी को माफ कर देंगे प्लीज? हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। अच्छा, अरे हाँ।
ये आपके लिए। बहन जी, इस सब की क्या जरूरत थी? मतलब आप लोग यहाँ आए, यही हमारे लिए शगुन से कम नहीं है? अरे आप लोग बैठिए ना, बैठिए ना सावन साहब। अरे अजी जी, आइए आइए, आप भी आइए, बैठिए, 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 आओ ना जी, बैठो बैठो, आइए। बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है, हम लोग आपको जितना भी थैंक यू कहेंगे उतना कम ही होगा। आपने गौरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उसे बहुत प्यार दिया। बहन जी कैसी बातें कर रही हैं, ये तो हमारा फर्ज है। तो अब हमें फर्ज निभाने की इजाजत दे दीजिए, हम आप सबको मुंबई आने का न्योता दे रहे हैं। भूल चूक माफ कर देना। हाँ, और गौरी को? गौरी अब हमारी है, आप उसकी चिंता ना करें। और हाँ, बहुत जल्दी पोते की मुंह दिखाई के लिए हम आपको न्योता भिजवाएंगे, आप सब लोगों को आना है। पुस्तकाचं पान मधुनी फाडलं आणि माझ्या नकळ तो खिशात घालून गेला। बोल मधु काका, कुठे आहेत? नाही का? नाही, मला जरा त्यांच्याशी महत्त्वाचं बोलायचं होतं। मोनिकाचं मधु काकांकडे काय काम असू शकतं? हां सर, मला बोलवलं तुम्ही। सध्या दोन घरांमध्ये काय चाललंय तू बघतेस। हां मग? आणि हा दुरावा अजून वाढावा यासाठी मला तुझ्या मदतीची गरज आहे। या वेळेला जरा वेगळा गेम खेळायचा। मुले ही देवा घरची फुले असतात। माझ्या या गुणी बाळांसाठी लाडू आण बरं जा। लाडूत विष पीस पिसळलं असेल ना? आम्ही घरातली सगळी कामं केली, लोकांचे प्रश्न सोडवले, आम्ही आहोत ना आता चांगल्या सुनबाई। तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे, बघा त्या आपल्या दोघांमध्ये तिसरं कुणाला बी आणायचं नाही। पक्का? अगं फौजी मुलाबर संसार करणं आपण बोलते तेवढं सोपं नसतं। पूजा, फौजी नवरा मिळाला ना नशीब लागते, फौजी लाखात एक असते, पण फौजीची बायको 10 लाखात एक असते। आपला बाप ज्याने आपल्याला जन्म दिला त्याने आपल्याला एक्सेप्ट केलं ना, दॅट्स इट। आता या पलीकडे जाऊन आपल्याला कोण आपलं म्हणतंय नाही म्हणतंय हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, आपला नाही। त्याने तुझं आयुष्य नाही बदलणार आहे काहीच, एवढं लक्षात ठेव। अख्खा दिवस मैदानातच असतो, थोडा वेळ तरी घरी थांबलं पाहिजे। होय ना? काय हो, ठीक आहे, याच्या पुढे मी कमी करतो काय। नक्की नाही, माझा तर माझा मुलगा पण मैदानात जायला लागला, पण ह्याचं बंद होत नाही, मैदान खेळायचं, वर टूरला जायचं। काय हो, कधी नेत आहे? आता सुट्ट्या पडतील मुलांना त्यांच्या ज्या काही लगेच होकार आहे ना, त्याच्यातच मला कळलं की ह्यांना बॅग भरायला खूप वेळ लागणार।